आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। महेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत महेश्वर के सभाकक्ष में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सकल घरेलू उत्पाद में 50% योगदान है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस क्षेत्र में लगभग 50% श्रमिक कार्यरत है। संगठित क्षेत्र के लिए काम करने वाले मजदूरों के लिए कई कानून बने जिनका लाभ उन्हें मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या अधिक है। ये बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के सचिव जिला न्यायाधीश श्री सुजीत कुमार सिंह ने महेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर कही। न्यायाधीश श्री सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बने कुछ कानूनों का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूर को भी मिल सकता है। इसके लिए उनका पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीकृत श्रमिक को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, इसलिए हर श्रमिक अपना पंजीयन जरूर करा ले। सन 2015 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं 2015 शुरू की थी। वर्तमान में जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश होते हैं। साथ ही सदस्य के रूप में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला श्रम अधिकारी होते हैं। विधिक सेवा के सचिव प्रकोष्ठ के सचिव होते हैं। श्रम निरीक्षक खरगोन अमित डुडवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय 1990 के पेरिस सम्मेलन में हुआ था, जो मजदूरों के हक में पूरी दुनिया ने पहचाना जाता है। हर श्रमिक को ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में मजदूरी की दर क्या है। भारत में सबसे पहले एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी की दर का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 पास हुआ था। महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी मिलना महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इस असमानता को दूर करने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1985 लाया गया। बाल श्रम हमारे देश में कुप्रथा है। बाल श्रमिक सिर्फ होटल पर या खेत पर काम करने वाला बालक नहीं, हर बच्चा बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है, जिसकी पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई के समय घर का अन्य कार्य करवाया जाता है। जिस कार्य से बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है, वो कार्य भी बाल श्रम में आता है। किसी भी संस्थान में 5 साल से अधिक कार्य करने वाले श्रमिक को ग्रेजुटी का भुगतान जरूर करना चाहिए, ये उसका हक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल निशा कौशल ने विधिक सेवा की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन और आभार पीएलवी दुर्गेश कुमार राजदीप ने किया। इस अवसर पर पीएलवी जोजू मुरियाडन, रानी मालवी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी श्रमिक उपस्थित रहे। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।